हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग सो दिस इज डॉक्टर देवेंद्र एंड यू वाचिंग मी ऑन ट्रेड विथ डॉक्टर देवेंद सो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखें अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं या फिर ऑप्शन सेलर हैं तो मार्केट के डायनेमिक्स को समझने के लिए सीबी के जो नए रूल्स आए हैं जो कंसल्टेशन पेपर आपके सामने आया है इस पे कॉमेंट्स आप कर सकते हैं और साथ में कुछ दिनों बाद ये रूल्स बन जाएंगे और रूल्स बनने के बाद में आप इनको फॉलो करना ही पड़ेगा ब्रोकर्स को फॉलो करना पड़ेगा इन, आपकी एन एस सी पड़ेगा यानी एक्सचेंज को फॉलो करना पड़ेगा अल्टीमेटली बायर और सेलर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये कंसल्टेशन पेपर क्या ये इसका सिनेरियो अगर आप मार्केट में है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहे फिर से बी हो चाहे फिर कोई और भी हो सेबी थ्रू डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स वो ये बताता रहा है कि 90 परसेंट ऑफ द ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉसेस है ना और टेन परसेंट ऑफ पीपल आर ओनली प्रॉफिटेबल यहाँ पे आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं मेरा अपना विचार हो सकता है कि भाई कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ऐसा होता है कि नाइनटी परसेंट आर सक्सेसफुल सभी जगह तो ऐसा ही होता है बट दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम यहाँ पे नाइनटी परसेंट ऑफ द पीपल आर मेकिंग लॉसेस ठीक है ये ये एक फैक्ट है ठीक है जो इन्होंने बोला अभी कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने बोला कि कैश सेगमेंट में 70% सेवेंटी परसेंट ऑफ दीपल इंट्रा डेटेडिंग बट वो वंस हुई नो जो लोग तीन साल से ज्यादा मार्केट में टिक जाते हैं वो 50% से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं यहाँ पे ये यह सोचने का विषय है कि ये एक ऐसा बिजनेस है या फिर आप कोई बिजनेस होटल मैनेजमेंट हो होटल हो आपका या फिर कोई रेस्टोरेंट हो या फिर कोई भी बिजनेस आप पुटअप करते हो यू नो कोई स्टार्टअप होता है उसको भी चार पांच साल लग जाते हैं यू नो ब्रेक इवन करने में तो अगर 50 परसेंट लोग यहां तक आ रहे हैं तो क्या जनरली मेरा कहना यह है कि क्या सच में ये बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन ये सवाल आपसे है बट यहाँ पे हम कंसल्टेशन पेपर के बारे में बात करेंगे कि इन लोगों की मंशा क्या है क्या इसके पीछे का लॉजिक है सेबी का क्या सोचना है तो उन्होंने ये सोचा है कि क्यों ना हम लोग अगर ये प्रॉब्लम हो रही है इंटरनेट ट्रेडर्स को कैसे इससे दूर किया जाए या फिर ऐसे लोगों को कैसे दूर किया जाए बिकॉज ऑफकोर्स बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं एफ एन में क्या कहा गया है कि यंगस्टर्स जो हैं वो गैम्बलिंग कर रहे हैं अपने हाउस होल्ड की सेविंग्स के साथ में है ना और यहां पे 92.5 लाख रिटेल ट्रेडर्स एंड प्रोपर्टीशिप फॉर्म इनकर लॉस ऑफ़ 51,689 करोड़ इन एफ आई ट्वेंटी यानी सिक्स नियरली पचास हजार करोड़ रुपए का नुकसान किया इन लोगों ने मिलकर अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है उसके लिए वीडियो कंसल्टेशन मोटा, मोटा सारी रिपोर्ट को सोच लीजिए और जाके जा पढ़ सकते हैं और जो सात ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेके ये लोग आए हैं उनको मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा तो वो हाईलाइट करके मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इन्होंने क्या किया है इनका कहना यह है कि क्या करा जा सकता है क्या करा जा सकता है जिससे कि रिटेल ट्रेडर जो है उसको कम एक्सेस हो इस पर्टिकुलर चीज का ये एक बहुत ही रूढ़ीवादी सोच है मेरा ऐसा सोचना है बाकी आप जैसा सोच सकते हैं वैसा सोच सकते हैं इन्होंने बेसिकली इस कंसल्टेशन पेपर में बोला क्या है इन्होंने बोला है कि स्ट्राइक प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस का रिश्लाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस ये करेंगे उसकी तरफ से इन्होंने बोला है कि जितने स्ट्राइक इंट्रोड्यूस करते हैं आप उसमें 50 स्ट्राइक्स अप फ्रंट ही आप लोड करेंगे और इसके साथ में आप क्या करेंगे कि ऑप्शन का प्रीमियम ऑप्शन का प्रीमियम अप फ्रंट कलेक्ट किया जाएगा ऑप्शन बायर से यानी कि आपको जब आप देते हो तो क्या होता है ऑप्शन बायर और सेलर्स दो होते हैं सेलिंग में क्या होता है जब आप इंडेक्स ऑप्शन सेल करते हो अभी करेंटली तो आपको कितना पैसा देना पड़ता है 1.5 को, बायर को नहीं देना पड़ता अब ये मुझे ऐसी मंशा दिख रही है कि ये वो काम बाइंग साइड में भी करने की इनकी मंशा है अभी कैसे होगा क्या होगा इसमें कमेंट करके लोग अपने डाउट्स जाहिर करेंगे आप भी कर सकते हैं ठीक है अब इसके अलावा इन्होंने क्या किया है इन्होंने तीसरे वाले 5.5 पे ध्यान दीजिए मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज इन्होंने ये बोला है कि करेंटली जो मिनिमम बॉक जो आपका डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है वो करीबन पांच से दस लाख के बीच में होता है तो इन्होंने बोला कि इसको पंद्रह से बीस लाख कर दो और साथ में फेज टू में आफ्टर सिक्स मंथ्स इसको ट्वेंटी टू थर्टी लाख कर दो इसका मतलब क्या होता है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन देखोगे ऑप्शन का जो अभी जो इन्होंने किया है वो कितना ट्वेंटी फाइव का लॉट है ठीक है फिफ्टी का था ट्वेंटी फाइव कर दिया है ना और फिर उसके बाद में पहले सेवेंटी फाइव का हुआ करता था फिर फिफ्टी का कर दिया फिर उसके बाद ट्वेंटी फाइव का कर दिया तो छोटा 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 छोटा, -छोटा करते आ गए और बैंक निफ्टी का पंद्रह का कर दिया तो इससे क्या है ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं और छोटे छोटे प्रीमियम बाई करके कुछ भी कर रहे हैं ये बहुत अच्छा पॉइंट है है ना तो इसमें इन लोगों ने क्या किया है इन लोग बोल रहे हैं कि इसको तीन चुना कर दो तीन गुना का मतलब क्या होता है हो सकता है कि इसमें आपको चार तीन से चार लाख रुपए में एक ऑप्शन सेल कर पाओ उसी के संदर्भ में इसके प्रीमियम

ठीक है जाने कितने इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं वीकली ऑप्शन तो दूसरे दूसरे तो रखना चाहते हैं ऐसा इनका मानना है और अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होने वाला होता है उसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होने लगती है जैसे हम जीरो टू जीरो वाली खेल खेलते हैं आप लोग है ना तो वो

बेनिफिट बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे कैलेंडर स्प्रेड स्प्रेड जो जो बनाते थे उसकी वजह से जो मिलता था का उसको खत्म कर रहे हैं ये लोग बहुत ही वाहियात है लेकिन ठीक है ये सबसे मतलब क्या होगा देखो जिसके पास बहुत पैसा है वो तो सही सही जाएगा लेकिन जिसके पास पैसा कम है यार उसकी तो बजा रहे हैं टू ट्वेंटी टू थर्टी लैक इन देंड फेज ये करेंगे लो. Rationalization of weekly options, जैसे मैंने बोला कि ऑप्शन कॉन्ट्रेक्ट को लिमिट कर देंगे अभी एक्सपायरी हर दिन होती है उसको एक दिन करेंगे इनक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी में आपको क्या लगा जाएगा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन तीन से पांच परसेंट का और लगा दिया जाएगा ये इसलिए कर रहे हैं इनका सोचना ऐसा है कि इससे ये कंट्रोल कर लेंगे ठीक है अभी जो इन्वॉल्वमेंट है पब्लिक की वो कैसे कंट्रोल में आएगी क्या होगा वो जानना बहुत जरूरी इससे पहले मार्केट को सीखना बहुत जरूरी है मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया है कि आप मार्केट को पहले सीखो ठीक है अननेसेसरीली ऐसे ही ट्रेड मत करो मेरे चाहे कोई भी वे में आपको सिखाने की कोशिश चाहे यूट्यूब वीडियो के थ्रू हो चाहे ऐसे टेलीग्राम के थ्रू हो जिसमें मैं आपको बताता रहता हूँ कि भैया ट्रेडिंग करते कैसे हैं तो ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है सीखनी है तो पहले सीखो बाद में ट्रेड करो इसी की तरीके से राइट आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो आप रैंक को सीख रहे हो देखो रैंक को कैसे काम आएगा ये चेंजिंग के साथ में तो अगर आप एक ऑप्शन बायर के साथ में आप एक ऑप्शन सेलर भी बन सकते हो तो सेलिंग के लिए कैसे आप काम आएगा आपका ये सारी चीजें अगर मंथली ऑप्शंस जाते हैं और बड़ा सुंदर सा सिस्टम होता है उसका डिके 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 इन्वॉल्वमेंट जैसी होगी राइट तो देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्कआउट होती हैं और कैसे सब चीज़ें आगे आ, काम आता है उसके पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा और धीरे धीरे करके हम इसके ऊपर अपडेट्स आपको देते रहेंगे कुछ डिस्करेज होने वाली ज़रूरत नहीं है मार्केट है चेंज होता रहेगा कल भी था आज भी है चीज़ें चेंज होती रहती हैं लेकिन अगर हम समय के साथ कुछ नया सीखते जाएं तो डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव होंगी आपके एंड पे भी राइट right? तो इस पे फोकस करना है और चीज़ों को समझना है कि भाई डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं अपने आप को तैयार भी तो करना है उसके अलावा राइट right? तो सेबी को जो करना है वो करके ही मानेगा हमें उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है ठीक है ये इसके लिए तैयारी बना के रखिए ठीक है गॉड ब्लेस यू टेक केयर एंड विल सू एन द वीडियो थैंक यू सो मच इसके बाद मेरा एनालिसिस वीडियो आ जाएगा सीखते रहो आगे बढ़ते रहो ठीक है बाकी मेरा अगर आप ओपिनियन पूछो

अब क्या कर सकते हो यू नो यू कैन ओनली चेंज द सिस्टम फ्रॉम विद इन तो वो आने के लिए इनको समझाना जरूरी है सिखाना जरूरी है लेकिन इंडिया में टैक्सेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस है इंप्रूवमेंट के ऊपर नहीं है ना कोई सिस्टम है ना कोई सिखाने की दलासा है ना कुछ है मत बढ़ा दो बढ़ा दो इसको बंद कर दो इट इज़ नॉट लाइक मेरा सब खराब होगा या मेरा खराब हो जाएगा ऑलरेडी इन लोगों ने बहुत प्रॉफिटेबिलिटी को मार रखा है टैक्सेस और अपनी जाके देखना कि जितने दिन ग्रीन बंद किया है उससे आपको क्या आप सच में आपने ग्रीन बंद किया था या लाल बंद किया था या फिर आपको लॉस में धकेला गया ये जो लो ब्रोकरेज प्लान आए उसके बाद इतना ज्यादा जो एडवांटेज मिला मुझे याद है 2019-20 में बहुत आसान थे ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे हम लेकिन इसको खत्म कर दिया अब ऑप्शन बाइंग में भी सो इट विल बी डिफिकल्ट To understand, right? Let's see what happens after some time, right? All good. Take care of yourself and we'll see you in the video. Keep learning, keep earning. Thank you so much. Bye bye. Take care.